हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पॉजिटिव न्यूज़। रॉकस्टार जब वी मेट, लव आजकल और तमाशा जैसी फिल्में बनाने वाले फिल्म मेकर इम्तियाज अली की कल्ट क्लासिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म लैला मजनू वैसे तो साल 2018 में रिलीज हुई थी, लेकिन फैंस की डिमांड पर ये मूवी अभी हाल ही में सिनेमाघरों में री रिलीज की गई। तो दोस्तों, लैला मजनू फिल्म कैसी है इस बात का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 6 साल बाद इम्तियाज अली की इस मूवी ने री रिलीज पर हालिया रिलीज फिल्मों से भी ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। जानकारी के लिए आपको बता दें, इस फिल्म से अविनाश तिवारी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। वैसे अविनाश तिवारी को मैंने पहली बार नेटफ्लिक्स सीरीज खाकी दी बिहार चैप्टर में देखा था, और विलेन के रूप में अविनाश को देखने के बाद लगा नहीं था कि वो किसी रोमांटिक सीन में फिट बैठेंगे, लेकिन मैं गलत थी। फिल्म का हीरो कैश भट्ट यानी अविनाश तिवारी इस मूवी की जान है। मतलब बंदे ने इतनी कमाल की एक्टिंग की है ना, मूवी देखने वाला इंसान उस कैरेक्टर में अपने आप को इमेजिन करने लगता है। वहीं तृप्ति भी इस फिल्म में बेहद खूबसूरत लगी है और उन्होंने भी अपने किरदार को बखूबी निभाया है। वैसे मैं ये फिल्म देख चुकी हूँ और बहुत से लोगों ने ये फिल्म देख ली होगी, लेकिन अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो आपको बता दें, इस फिल्म को अब आप बिल्कुल फ्री में अपने फोन पर देख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मूवी YouTube पर अपलोड हो चुकी है, तो अब आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। हालांकि YouTube पर ये फिल्म अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो आप मुझे Instagram पर मैसेज करें, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूंगी। वेल, बात अब दी लेडी किलर की करें तो दोस्तों, अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर स्टारर ये मूवी नवंबर 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर तो ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई, लेकिन काफ़ी लोगों को इस फिल्म की OTT रिलीज का इंतजार है। हालांकि कुछ वक्त पहले ये मूवी टेलीविजन प्रीमियर कर गई थी, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है उनको इंतजार है दी लेडी किलर की OTT रिलीज डेट का। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, वैसे तो ये मूवी OTT पे भी आ गई है, बट Amazon US पर। इंडिया में Amazon Prime Video पर ये मूवी अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब आपको दी लेडी किलर मूवी की OTT रिलीज का वेट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मूवी भी अब YouTube पर अपलोड कर दी गई है। जी हाँ, इस फिल्म को भी आप YouTube पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। वैसे अगर आपको ये मूवी भी YouTube पर नहीं मिल पा रही है तो आप मुझे Instagram पर फॉलो करें, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूंगी। मेरे Instagram हैंडल का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में नई अपडेट के साथ।